उदाहरण 6, बहुपद xz बराबर 2z की घात 2 ऋण 5 धन 11z ऋण z की घात 3 में से बहुपद sz बराबर 3z ऋण 5 z की घात 2 धन 7 धन 3z की घात 3 को घटाइए। बहुपद xz बराबर 2z का घात 2 ऋण 5 धन 11z ऋण z का घात 3 को हम अक्षर संख्याओं की घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। यहाँ पर हम सर्वप्रथम ऋण z का घात 3 धन 2z का घात 2 धन 11z ऋण 5 के रूप में लिखेंगे। अब हमारा दूसरा बहुपद SSZ बराबर 3z ऋण 5z का वर्ग धन 7 धन 3z का घात 3। इसे भी हम इस बहुपद को भी हम घातों के घटते क्रम में लिखेंगे। तो सर्वप्रथम 3z का घात 3 ऋण 5z का घात 2 धन 3z धन 7 होगा। अब हम xz ऋण sz को बहुपद को घटाएंगे। तो हमारा xz बहुपद है ऋण z का घात 3 धन 2z का घात 2 धन 11z ऋण 5। इसमें दूसरा बहुपद 3z का घात 3 ऋण 5z का घात 2 धन 3z धन 7 को हम घटाएंगे। घटाने के लिए दूसरे बहुपद में हम इनके गुणांकों के चिन्ह को बदलेंगे। तो यहाँ धन 3 ऋण 3, ऋण 5 धन 5, धन 3 ऋण 3 और धन 7 ऋण 7 होगा। इसके पश्चात हम इनके गुणांक z का घात 3 का गुणांक ऋण 1 ऋण 3 को कोष्टक में लिखेंगे एवं z का घात 3 यह हमारा उभयनिष्ठ चरांक है। धन अब इनके गुणांक 2 धन 5 और उभयनिष्ठ चरांक z का घात 2 जो कि कोष्टक के बाहर रहेगा, धन इनके गुणांक 11 ऋण 3 को हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे और चरांक z जो है उभयनिष्ठ निकलेगा। धन अब हमारा स्थिरांक ऋण 5 ऋण 7 को हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे बराबर ऋण 1 ऋण 3 बराबर ऋण 4 z का घात 3 धन 2 धन 5 बराबर 7 z का घात 2 धन 11 ऋण 3 बराबर 8 z धन ऋण 5 ऋण 7 बराबर ऋण 12 होगा बराबर ऋण 4 z का घात 3 धन 7 z का घात 2 धन 8 z धन गुणित ऋण ऋण 12 होगा। इस तरह से हम इसे हल करेंगे।